हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंगन के पौधों के ऊपर। हमें बैंगन के पौधों को सीड से कैसे ग्रो करना चाहिए और इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, आज इसी का टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हैं बैंगन के सीड्स। आप कोई सी भी कंपनी के अच्छी वैरायटी के सीड्स ले सकते हैं। और इनको ग्रो कैसे करना है, 50% कंपोस्ट और 50% कोकोपीट ऐड करके आप इन सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसकी जगह पे अपने गार्डन सोइल को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमें सीड्स को कितनी गहराई में रखना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, और जब ड्राई लगे मिट्टी तो उसमें हल्का सा स्प्रे करना चाहिए। कई बार हमारे सीड्स क्यों नहीं ग्रो हो पाते, कई बार हम ऐसे करते हैं, या तो सीड्स में ओवर वाटरिंग कर देते हैं या अंडर वाटरिंग। कई बार वो ऐसे ही गल जाते हैं, हम ओवर वाटरिंग करते रहते हैं तो तभी हमारे ये जो प्लांट्स हैं वो रेडी नहीं हो पाते। हमें इन सीड्स को सिर्फ आधे इंच की गहराई में ही लगाने हैं, क्योंकि इनके सीड्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फंगीसाइड की जगह पे अगर आपके पास साफ फंगीसाइड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप हल्दी का भी यूज़ करके इन सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। जब आपके प्लांट्स रेडी हो जाएंगे तो कुछ ये जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। देखिए अब मैंने किस में लगाया हुआ है, ये वेस्ट बॉटल जो छोटी सी आती है उसमें करा हुआ है। ये देखिए इसमें रूट्स भी दिख रही होंगी आपको, ये जो है इसमें रूट्स छोटी छोटी अब नज़र आ रही हैं। मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि अब ये प्लांट इसमें और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो कभी भी जो है बैंगन के प्लांट्स को कम से कम 5 से 6 घंटे की कम से कम धूप लगनी चाहिए। आप इसे शेड वाली जगह पे ना रखिए। अगर आप इन्हें शेड वाली जगह में रख देंगे तो जब आपका प्लांट इतना बड़ा ग्रो हो जाए तो आप इसे 6 इंच के पॉट में, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है 6 इंच के पॉट में, तो आप ऐसे ही 6 इंच के पॉट में इसे लगा सकते हैं। अब ये इससे बड़ा इसमें नहीं हो सकता, तो अब मैं इसे ये 12 इंच के ग्रो बैग में लगाऊंगी। और इसको कम से कम 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में, या तो आप 14 बाय 14 इंच के ग्रो बैग में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जब भी आपके बैंगन के पौधों में फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होती है तो आप उसको कट कर देना, नहीं तो उससे वो प्लांट जो होता है बुशी नहीं होता, तो एक दो ही आपको बैंगन उससे मिलेंगे और अच्छी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम हमेशा उसको कट कर देना चाहिए, जिससे आपका प्लांट और हेल्दी होगा और अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होगी और अच्छे से उसमें बैंगन आपको खाने को मिलेंगे। और आपको इसको कम से कम 20 दिन में एक बार कंपोस्ट ऐड करते रहना है और 7 से 8 घंटे की इसको सनलाइट हमेशा देनी है। शेड वाले एरिया में नहीं रखना और इनकी रूट्स में पानी हमेशा देना, अंडर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसको पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप पानी का ध्यान रखना, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। पानी जब भी आपको मिट्टी गीली, अब ये देखिए कैसे इतना बड़ा प्लांट बन गया है, ये 6 इंच के ही पॉट में। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी बड़ी हो गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इसकी रूट्स हो गई हैं। जब भी आपको बैंगन के प्लांट्स में मिट्टी ड्राई नज़र आए तो आपको इसमें वाटरिंग कर देनी है, और ओवर वाटरिंग नहीं करनी। वाटर ऐसा ही होना चाहिए, जैसे ये मिट्टी आपको नज़र आ रही है गीली है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही अंडर वाटरिंग आपको पानी देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको बस खाद टाइम से और गुड़ाई करके ही खाद देनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसको धूप में रखना है, शेड वाले एरिया में नहीं रखना, और सीड ढंग से लगाना, और सीड्स हमेशा अच्छी कंपनी के ही लेने चाहिए। अगर आप एक्सपायरी डेट के या पुराने सीड्स लगाते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और हमेशा गर्मी के सीड्स आपके अलग होते हैं, तो आपका इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको गर्मी के जो सीड्स हैं वो अलग से ही लेने पड़ेंगे। थैंक यू।